हर हर महादेव। भोपाल मध्य प्रदेश से भरत शर्मा जी हैं, उनका एक बड़ा सुंदर प्रासंगिक प्रश्न है। वे पूछ रहे हैं, गुरुदेव सादर प्रणाम। गुरुदेव, आजकल देखने में आ रहा है कि पुत्री या धर्म पत्नी संस्कार आदि मुंडन पिंडदान आदि मृतक संस्कार कर रही हैं, क्या ये शास्त्रीय है? मतलब ये पूछना चाह रहे हैं, आजकल पुत्रों की तरह पुत्रियां भी अपने पिता का मृतक संस्कार कर रही हैं, और पुत्रों की तरह स्त्रियां भी अपने पति का संस्कार कर रही हैं, तो दाह आदि कृत्य, तो क्या ये शास्त्रीय है, उन्हें करना चाहिए? देखिए, इस पर विचार करें। मृतक कर्म और श्राद्ध, ये तीन रूपों में है। जैसे कि एक तो मलिन षोडशी, मध्यम षोडशी, उत्तम षोडशी, ये सब औरदैयिक कृत्य है, तथा कुछ श्राद्ध वाले कृत्य जिनमें एकोदिष्ट, पार्वण, महालय आदि श्राद्ध हैं। तो क्या ये स्त्रियां भी इनमें अधिकृता हैं? इस पर चर्चा कर रहे हैं। देखिए, श्राद्ध के विषय में निर्णय सिंधुकार निर्णय देते हैं। वे कह रहे हैं कि विधवा स्वयं संकल्पम कृत्वा अन्य ब्राह्मण द्वारा कारयेत इत्युक्तम प्रयोग पारिजाते। प्रयोग पारिजातक नामक ग्रंथ में प्रयोग पारिजात, ये निर्णय सिंधु से भी पहले का ये जो है निबंध ग्रंथ है, इसका उद्धरण देते हुए कहते हैं और अपना भी मत दे रहे हैं कि जो जिसका पति नहीं है, ऐसी कोई महिला है, उसके पुत्र भी नहीं है, और भी कोई श्राद्ध का अधिकारी, श्राद्धाधिकारी गिनाए गए हैं हमारे यहाँ शास्त्रों में, कि सबसे पहले ज्येष्ठ पुत्र, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, जो मध्यम की बात है वो कोई ऐसा नहीं है जी, तो कि मध्यम पुत्र नहीं कर सकता, ये नगण्य है बात, मतलब गलत है बात, शास्त्र विरुद्ध बात है। ज्येष्ठ पुत्र के बाद उससे छोटा, फिर वो भी नहीं हो तो उससे छोटा, क्रमशः फिर और भी कई पुत्र, तरीके के पुत्र होते हैं, औरस पुत्र, दत्तक पुत्र, क्रय पुत्र, क्रीत पुत्र, क्षेत्रज पुत्र, तो 12 तरीके के पुत्र बतलाए हैं, वो प्रसंग यहाँ नहीं है। मुख्य बात, कलयुग में तो दो ही पुत्र मान्य है, औरस पुत्र और दत्तक पुत्र, तो औरस पुत्र भी नहीं है, दत्तक पुत्र भी नहीं है, भ्राता आदि या कुटुंब का और भी जो लोग गिनाए हैं, पौत्र आदि, वो भी नहीं है, और केवल विधवा ही श्राद्ध करने के लिए तैयार है, उसको ही करना पड़ रहा है, तब भी लिखा हुआ है कि स्वयं संकल्प कर ले और ब्राह्मणों के द्वारा उस श्राद्ध को करवाए, चाहे वो पार्वण श्राद्ध हो, चाहे जो है महाला श्राद्ध हो, चाहे एकोदिष्ट हो, अथवा नांदी श्राद्ध ही क्यों ना हो, वो भी उसमें भी यही बतलाया गया है। जैसे विधवा कर्तृक नांदी श्राद्ध की प्रक्रिया अलग है, कि वो षड्दैवत्य हो, कि नवदैवत्य हो, कि द्वादश दैवत्य हो, इस पर कभी फिर चर्चा करेंगे। तो यहाँ लिख रहे हैं निर्णय सिंधुकार के, विधवा स्वयं संकल्पम कृत्वा, स्वयं तो संकल्प करे, संकल्प जो होगा वो स्वयं करे, और अन्य ब्राह्मण द्वारा कारयेत, दूसरे ब्राह्मण के द्वारा करवाए, निजंत प्रयोग कारयेत इत्युक्तम प्रयोग पारिजाते, ऐसा प्रयोग पारिजात ग्रंथकार ने कहा। तो श्राद्ध के विषय में तो ये निर्णय हो गया, तो इस श्राद्ध से आप ये भी श्राद्ध ले सकते हैं, प्रेत श्राद्ध भी, इनसे प्रेत श्राद्ध श्राद्धों का भी ग्रहण होगा। प्रेत श्राद्ध माने मलिन षोडशी, मध्यम षोडशी और उत्तम षोडशी के श्राद्ध आदि भी वो विधवा जो है अपने प्रतिनिधि रूप में, अथवा कोई कन्या जिसका, जिसके कोई पुत्र आदि नहीं है, केवल कन्या ही है, और उसका भाई इत्यादि और कुटुंब का पौत्र आदि और कोई भी लोग नहीं है जो श्राद्ध कर सके, तो पुत्री को ही श्राद्ध करना है, क्योंकि पुत्री को भी शास्त्रों में अधिकार दिया है श्राद्ध करने का, क्योंकि वो भी पिता के वीर से ही प्रकट होती है, ऐसा जो लिखा हुआ है। ये बात जो है हमारे निरुक्त से भी सिद्ध है, गुरुजी से चर्चा हो रही थी, निरुक्त से भी सिद्ध है और सब जगह है,
शास्त्रों में ये है ही हमारे यहाँ पहले से ही, तो उसको अधिकार, परंतु वो संकल्प करके इन सभी श्राद्धों को ब्राह्मण के द्वारा करवा रहा। अब देखिए कि दाह आदि कृत्य वो कर सकते हैं क्या? आपने ये भी पूछा था मुंडन आदि कृत्य, तो ठीक है यदि कोई विधवा है तो विधवा के लिए तो केश कर्तन मुंडन इत्यादि का विधान है, वो तो कोई श्रृंगार नहीं कर सकते हैं और मुंडन करके ही रहें, विधवाओं के लिए तो मुख्य धर्म यही है कि वो मुंडन करके रहें, तो मुंडन तो करा सकती हैं, इसमें कोई आपत्ति नहीं है, अपने विधान के अनुसार अपने परंपरा के अनुसार मुंडन कराएं। देखिए परंतु वो पति का दहन करें या नहीं, श्मशान में जा करके चिता में मुखाग्नि देवें या न देवें, इस पर विचार कर रहे हैं। देखिए ये धर्म सिंधु के तृतीय परिच्छेद में, भर्तुः पत्नी पत्निया भर्ता च दाहाद औध दैहिक सांवत्सरिक श्राद्धादिकम च कुर्यात्। देखिए ये कहते हैं कि भर्ता पत्नी का और पत्नी भर्ता च दाहाद औध दैहिक दाहाद औध दैहिकम सांवत्सरिक श्राद्धादिकम च कुर्यात्। पति पत्नी का तथा पत्नी पति का भी और्ध्वदैहिक कृत्य और श्राद्धादि करे, तो और्ध्वदैहिक कृत्य में क्या आ गया, यही मुखाग्नि आदि तो वो दे सकती हैं जब कोई न मिले। भार्य आगे लिखते हैं, भार्यापि समंत्रकम एव और्ध्वदैहिकादिकम कार्य, अगर कोई नहीं है, जैसे कि श्रीमद् भागवत में प्रयोग आता है, और भी आप समझें कि भागवत जी में लिखा है कि जब पृथु भगवान अपने पुत्रों को राज्य दे करके और वन में गए, यानी कि समाप्त उन्होंने अपना वानप्रस्थ स्वीकार किया, तो पत्नी भी उनके साथ में अर्ची महारानी भी गई। प्रायः हमारे यहाँ जो चार आश्रम हैं, तो गृहस्थ वानप्रस्थ ब्रह्मचारी पहले हो जाता है, ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ और सन्यास। तो वानप्रस्थ जब होता है तो पत्नी को पूछा जाता है कि मैं वानप्रस्थ में जा रहे हैं, यदि वो अग्निहोत्री होता है तो पत्नी को साथ में जाना ही होता है, और नहीं तो वो पत्नी अगर पुत्रों के साथ रहना चाहती तो वहाँ छोड़ करके फिर वो वन में जाते हैं। तो वहाँ वन में दोनों गए हैं, जैसे कई राजा महाराजाओं का आपने चरित्र सुना होगा कि मनु महाराज और शत्रुपा जी वन में गए, श्री रामचरितमानस में भी लिखा है, पुराणों में लिखा है, चौथे पन नृप कानन जाई, ये सिद्ध ही है। तो और नृप ही नहीं, सब ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य सभी लोग जाते थे वानप्रस्थ। वानप्रस्थ कलयुग में निषिद्ध है, कलयुग में वानप्रस्थ नहीं है, कलयुग में केवल तीन ही आश्रम है, वानप्रस्थ को मना किया गया, उसके धर्म विशेष हैं जो कलयुग में लोग पालन नहीं कर सकते, इस दृष्टि से कलौवर्ज प्रकरण में वानप्रस्थ को रखा गया है। अन्यथा वानप्रस्थ में जब लोग जाते थे तो पति पत्नी दोनों गए हैं, जैसे अर्ची महारानी और भगवान पृथु गए, तो अब वहां किसका शरीर पहले पूर्ण होगा ये तो कोई पता नहीं। यदि पत्नी का शरीर पहले पूर्ण होता है तो पति संस्कार कर ही देगा, इसमें तो कोई विप्रतिपत्ति है ही नहीं, लेकिन कथनचित पति का संस्कार शरीर पहले पूर्ण हो गया तो पत्नी को ही वो सब संस्कार करना है, वन में भला कौन है, वो कोई फिर ग्राम में आकर के कोई थोड़ी जो है सहायता मांगेगी, वहीं खुद करेगी। तो इस दृष्टि से वहीं उसको संस्कार करना है, तो अर्ची महारानी ने चिता बना करके उनका संस्कार किया और स्वयं भी उसके ऊपर आरूढ़ हो गए, अर्थात सह दहन कर लिया, वो भी साथ में। तो महारानी अर्ची भी उस चिता पर आरूढ़ हो गई और उन्होंने भी सह दहन कर लिया। तो कोई भी माता बहन यदि वो संस्कार करना चाहती हैं तो इस तरीके से संस्कार करके वो चितारूढ़ भी हो सकती है, अगर नहीं भी होना चाहे तब भी वो संस्कार कर सकती हैं। देखिए, तो
तो इसका मतलब ये हो गया कि वानप्रस्थ में गई हुई जो भी महिला है, जो भी स्त्री है, उनको अपने पति का शरीर पूरा होने पर और संस्कार करने का अधिकार है। और यहां भी वानप्रस्थ में नहीं भी गई हुई है तब भी यदि कोई महिला जिसके किसी के परिवार में कोई भी नहीं है और वो ही केवल अधिकार नहीं बचती है, ऐसा नहीं है कि सर्वप्रथम हम ही करेंगे, ऐसा अधिकार नहीं। जब कोई नहीं है और उनका जो अधिकारी लोग हैं उनके अभाव में भार्यापि समंत्रक समंत्रकम और दयेकादिकम कार्यम, तो भार्या भी अपने पति का संस्कार कर सकती है और पुत्री है तो अपने श्वशुर का वो पुत्री का पति करेगा या पुत्री का पुत्र करेगा। पुत्री अगर किसी की है तो पुत्री का पुत्र अपने नाना का संस्कार करने का प्रथमाधिकारी है अपने मामा के न होने पर, और वो भी नहीं है तो फिर वो दामाद करेगा, अपने श्वशुर आदि का उसको भी अधिकार है ना। और कोई नहीं है तो पुत्री भी वो जो है संस्कार कर सकती है। असक्तहु अग्निदाह अग्निदानम, अगर कोई असक्त है, वो महिला भी असक्त है और वो भी नहीं कर सकती, कोई भी नहीं है तो फिर ब्राह्मण के द्वारा कराना ही है। असक्तहु अग्निदान मात्रम समंत्रकम कृत्वा शेषम अन्येन कार्य। अगर कोई, ये भी एक मत है शास्त्र का कि अगर वो जो है बहन या जो है पुत्री या उनकी पत्नी, वो सभी के अभाव में वे भी उनका संस्कार मात्र कर दें, मुखाग्नि दे दे वे समंत्रक और अन्य सभी कार्य ब्राह्मण के द्वारा करवाएं। असक्त हो अग्निदान मात्रम समंत्रकम कृत्वा शेषम अन्येन कार्यम, अन्येन ब्राह्मण द्वारा कार्यम, श्राद्धे संकल्प मात्रम कृत्वा शेषम अन्येन ब्राह्मणेन द्वारा कार्यम। श्राद्ध में तो निश्चित ही है कि संकल्प आदि करके शेष कृत्य सभी ब्राह्मण के द्वारा करवाना चाहिए, लेकिन चिता आदि में वो अग्नि दे करके और उसका समंत्रक संस्कार करके बाकी का आगे का कार्य वो ब्राह्मण के द्वारा योग्य का प्रतिनिधि बना करके करवाए, ये शास्त्र में निर्णय है। तो ये बात को कभी भूलना नहीं चाहिए कि ये जो निर्णय शास्त्रों में दिया गया है, ये विशेष परिस्थिति में दिया गया है और सर्वथा और लोगों के अभाव में दिया गया है। प्रायः लोगों में, शिष्टों में, आचार में भी ये प्रचलित है कि अभी महिलाएं जो है श्राद्ध नहीं करती हैं और महिलाएं जो है श्मशान में भी नहीं जाती हैं, परंतु ऐसी अवस्था में भी जा सकती हैं और संस्कार आदि भी कर सकती हैं, ये शास्त्र का निर्णय है, परंतु सामान्य रूप से नहीं। हर हर मा...